दे शादी की मिठाई है, बॉक्स खोल और मुंह मिठा कर ले सबको दे। क्या हुआ? इसमें तो पैसे हैं। अरे ये तेरे 50,000 है जो मैं लौटने आया हूँ। तू जब मेरे घर कुकर लेके आया था तभी मैं समझ गया था कि ये 50,000 गलती से मेरे पास आ गए हैं। मगर मैंने सोचा कि तेरे साथ थोड़ी मस्ती कर लूं। और खिमजी को भी मैंने कहा था तुझे फोन करने के लिए। जा। तू अब कब हमसे नाराज नहीं है ना? नहीं नहीं, अब कैसे नाराज की? 50,000 वापस जो मिल गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कहीं ना कहीं बहाना बना के बार बार दुकान में आती रहो। ये बागा है ना, उसका मन बहुत चंचल है, क्या इधर उधर भटकने लगता है, फिर काम में नुकसान मेरा ही होगा, इसलिए प्लीज जा जरा। ठीक है, समझ गई। अरे अपने करसन को देख लो, ठंडी में कसरत करने के लिए एक दिन आता है और चार दिन गुटली मारता है। वो है ही ऐसा। और मेरे जवानों, हो गई कसरत? हो गई। बस दो मिनट और, शरीर में एकदम चुस्ती स्फूर्ति लग रही है ना? हाँ एकदम। इसे देख, अरे स्फूर्ति लग रही है कि जड़ लग रही है? दोनों लग रही है। सच में चंपक, तेरी वजह से हम सबको सुबह सुबह कसरत करने की जो आदत पड़ी है और उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है और उससे मेरा डायबिटीज कंट्रोल में आ गया। हाँ, हाँ। तो फिर देखा, मैंने कहा था ना राम जी, रोज कसरत करेगा तो तेरी सेहत एकदम सुधर जाएगी। अरे मुझे देख, है? मैं रोज 5 किलोमीटर चलता हूँ, ना ब्लड प्रेशर है ना डायबिटीज है, एकदम फिट। अरे चंपक, तुझे पता है एक आदमी सुबह सुबह वॉकिंग की वजह से प्रॉब्लम में आ गया है? क्या हुआ? डॉक्टर ने उसको वजन उतारने के लिए रोज 5 किलोमीटर चलने को बोला। तो ये तो अच्छी बात है ना? अरे पूरी बात तो सुन, 1 महीने के बाद उसने डॉक्टर को फोन किया और कहा कि मेरा वजन तो कम हो गया मगर घर से मैं 150 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। क्या तू? लेकिन सच कहूँ दोस्तों, इस दुनिया में सबकी अपनी अपनी दौड़ है। गरीब आदमी रोटी कमाने के लिए दौड़ता है और अमीर आदमी रोटी हजम करने के लिए दौड़ता है। वाह चंपक, तुम तो लाख रुपए की बात बोल दी। चलो चलते हैं। हाँ चलो 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 दोस्तों, आज मैं तुम सबको अपनी तरफ से गर्मा गर्म उकाड़ा पिलाता हूँ। अरे वाह चंपक, गुलाबी ठंडी में गर्मा गर्म उकाड़ा, मजा आ जाएगा। हाँ तो जाएगा। मेरा संसार नी गाड़ी चाल प्रेम थे, पराठा बनाऊ तो ओछा तेल थे, हे जी ओछा तेल थे, टोपू ना पप्पा खाए बड़े होश थी, माता जी राखे सौने हे मुखे मुठी, हे जी हे मुखे मुठी, हे जी हे मुखे मुठी, मरा संसार नी गाड़ी चाल प्रेम थी। अरे बाप रे, गया बेन, संसार नी गाड़ी तो चाला कर से, जल्दी करो, बापूजी के आने का टाइम हो गया है और टप्पू के पापा भी अभी तक उठे नहीं, उनको जगाना पड़ेगा अगर ना मुझे कहेंगे। गया मुझे उठाया क्यों नहीं? जल्दी करो रे भाई, जल्दी करो, जल्दी करो रे भाई, जल्दी करो, जल्दी करो रे भाई, जल्दी। पता था टप्पू के पापा घोड़े बेचकर सो रहे होंगे। टप्पू के पापा, और टप्पू के पापा, अरे चलिए उठिए, सूरज दादा कब के निकल चुके हैं, उठिए, कब तक सोते रहेंगे, उठिए उठिए। अरे क्यों सता रही है दया, सोने देना। अरे सता नहीं रही हूँ आपको, जगा रही हूँ, चलिए उठिए उठिए। तू भी सो जा। ठीक है हटिए। हाँ?
क्यों परेशान कर रही है? जाना टप्पू को जगा जा। अरे टप्पू के स्कूल में स्पॉट डे है तो वो तो कब का स्कूल चला गया है। आप उठिए ना, आपको दुकान नहीं जाना है। नहीं, दुकान में स्पॉट डे नहीं है। देखिए टप्पू के पापा, बापूजी के आने का वक्त हो गया है, उठ जाइए वरना बापूजी आ गए और आपको ऐसे सोते हुए पकड़ लिया ना तो आपको सुबह सुबह मेरे हाथ के नाश्ते के बदले बापूजी की डांट खानी पड़ेगी। फिर मुझे मत कहना बहू। हाय हाय बापूजी। तो जी जी बापूजी। जेठिया जाग गए? हां बापूजी, कब का ना भी लिया। ना के वापस रात के कपड़े पहन लिए। वो अभी पूरा नहीं नहाया हूँ बापूजी। आधा कैसे नहाते? मतलब ओ गीजर में से ठंडा पानी नहीं आ रहा था यार। टप्पू के पापा, गीजर गर्म पानी के लिए होता है तो उसमें से गर्म पानी आएगा ना। हाँ, अगर आपको गीजर में से ठंडा पानी चाहिए तो आपको बाथरूम में गीजर के बदले एसी ही लगाना पड़ेगा। हाँ, और गीजर बेडरूम में लगा ले। जाग जा जाग जा, जाग जा। कब का जाग गया ने, कब का ना लिया ने, मुझे क्या बेवकूफ समझा? सॉरी बापूजी, वो ठंडी का मौसम है ना तो सुबह सुबह इतनी मीठी नींद आती है कि उठने का मन ही नहीं करता। ए बबूचा, उल्टा ठंडी के मौसम में तो जल्दी उठकर कसरत करनी चाहिए, उससे शरीर में स्फूर्ति और ताजगी रहती है। आलस नींद सब ऐसे भाग जाते हैं। मुझे देख, मैं कभी देर से उठता हूँ। टप्पू के पापा, बापूजी सही कह रहे हैं, आपको रोज सुबह जल्दी उठकर कसरत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। मैं जरा नहा लेता हूँ बापूजी। क्या क्या जी? वो मैं पूछ रहा था, मेरा दाढ़ी का सामान कहाँ है? बहू क्या दाढ़ी करती है, जो उसे पता होगा। अरे दाढ़ी तेरी, दाढ़ी का सामान तेरा, तो तुझे पता होना चाहिए ना। याद आ गया, बाथरूम में ही है ना। दाढ़ी हो क्या इनो? बापूजी, आपके लिए चाय लाऊं? नहीं नहीं जी। नमस्ते चाचा जी। गुड मॉर्निंग दया भाभी। गुड मॉर्निंग, आइए आइए, आप सही समय पे आए अब्दुल भाई। टप्पू के पापा अभी चाय नाश्ता करने बैठ ही रहे हैं, आप भी बैठ जाइए। नहीं नहीं दया भाभी, थैंक यू। चाचा जी, आपकी चीज आ गई है। अरे लेकिन बापू जी, फ्रिज में चीज पड़ी ही है। दया भाभी, खाने वाली चीज नहीं, आयुर्वेदिक मालिश का तेल चाचा जी ने मंगाया था। चाचा जी लीजिए। अरे वाह वाह अब्दुल, कितने पैसे हुए इसके? चाचा जी चिंता मत कीजिए, हिसाब में लिख दूंगा। बापू जी, ये आयुर्वेदिक मालिश का तेल क्यों मंगवाया? अरे बहू, हमारे यंग सीनियर सिटीजन ग्रुप में वो हिरजी है ना, उसको चाहिए था, उसे मिल नहीं रहा था तो मैंने अब्दुल से मंगवाया। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे अब्दुल भाई, नाश्ता नहीं किया, चाय तो पीकर जाइए, दो मिनट लगेगी। दया भाभी, वो क्या है ना कि दुकान पर कोई नहीं है, इसलिए जाना पड़ेगा। चलता हूँ मैं। बहू, मैं भी इसे अपने कमरे में रख के आता हूँ। जी बाबू जी। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म परोठा। वाह 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 वाह। पराठा बीमार क्यों लग रहा है? इतना उदास क्यों है पराठा? अरे इतना सूखा सूखा क्यों है पराठा? ये सूखा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप बीमार ना हो जाए।
मतलब परोठा भाई डाइटिंग पे है। इस पे कुछ घी बटर लगा के लेके आ ले। नो बटर नो घी। ठीक है, तो इस पे थोड़ी चीज लगा के लेके आ ले। क्या हुआ? चीज? चीज? हाँ चीज। अरे टप्पू के पापा, आपको पता है चीज तो बटर और घी से भी ज्यादा भारी होती है। ये अनपढ़, किसने तुझे ऐसा कह दिया? तुझे पता है चीज तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होती है। चीज तो खास खानी ही चाहिए। जा इस पे चीज लगा के लेके आ। जा। सॉरी टप्पू के पापा। अरे क्या सॉरी? दया देख, मेहरबानी करके अंजलि भाभी बनने की कोशिश मत कर। टप्पू के पापा, मैं किसी के जैसा कुछ भी बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं दया टप्पू के पापा गड़ा हूँ और वही बनकर खुश हूँ। मैं तो सिर्फ एक पतिव्रता पत्नी होने के परम धर्म का पालन कर रही हूँ। अरे पति को भूखा रखने का कौन से धर्म में लिखा है? मैं आपको भूखा कहाँ रख रही हूँ? आपको खाने के लिए परोठा दिया ना। देखिए टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है, पति के दिल का रास्ता पति के पेट से होकर निकलता है। अर्थात पति के दिल को जीतना हो तो पहले पति के पेट को जीतना होगा। हाँ, बिल्कुल एकदम परफेक्ट कहती है तेरी माँ, है ना? हाँ। तो मुझे माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल, जाओ जाओ जाओ, इस पे चीज लगा के लेके आओ। लेकिन टप्पू के पापा, मेरी माँ ये भी कहती है कि पति के सेहत की जवाबदारी और उनकी तबीयत का ध्यान रखना पत्नी का परम धर्म है। तो अब तक मैं माँ की पहली बात का पालन करती आई हूँ और अब माँ की दूसरी बात का पालन करने की बारी आई है, तो मैं वो कर रही हूँ। तो खाइए ये सादा परोठा। तू खा। टप्पू के पापा, आप ऐसा क्या करते हैं? आप समझते क्यों नहीं है? एक तो आप सुबह उठकर कसरत नहीं करते हैं और पूरा दिन तेल घी बटर वाला खा खा करते हैं। तो आपकी सेहत का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? मेहरबानी करके बापूजी की तरह तू भी अभी कसरत की रामायण चालू मत कर। और एक मिनट, बापूजी के सामने क्या होशियारी मार रही थी? देखो तो भोली क्या? बापूजी आप सही कह रहे, कसरत तो करनी ही चाहिए, ऐसा कौन कह रहा था? वो टप्पू के पापा, क्या है कि ठंडी के मौसम में कसरत करके पसीना बहाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे भाई, ठंडी सिर्फ 2 महीना आती है और कुछ कुछ चीजें ठंडी में ही खाने का मजा है, जैसे उंधियो, फिर वो कचरियो, अड़दिया पाक, गुंदर पाक। तो 2 महीने के ये सब एकदम जम के खाने का मजा करने का, फिर क्या गर्मी के मौसम में तो वैसे भी पसीना होता है तो सारी चर्बी पिघल ही जाती है, तो कसरत करके समय का व्यय क्यों करें हम लोग? लेकिन टप्पू के पापा, बस मैंने एक बार कह दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी सलमान भाई। ये डायलॉग तो सलमान भाई का है ना? चले इस पर चीज लगा के लेके आओ, जाओ। अरे सीधी जाना, भटका इस पाछड़। ओ ये भी ठंडी हो गई। अरे चाय भी लेके आना दूसरी। हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात सेहत ही संपत्ति है। तंदुरुस्त और निरोगी रहने का नियम बनाओ, उठो जागो दौड़ो सेहत बनाओ। चल चल अवे। कहते ये क्या सुविचार लिखा है बिड़े? अरे वाह, चश्मा लग गया। अभी पढ़ के सुनाता हूँ। अरे ये चश्मे, कोई चश्मा नहीं लगा। सुब सुब बोल भाई, सब पढ़ाई देता है। मैं ये बोल रहा हूँ, सुबह सुबह को ऐसा सुविचार लिखता है, ये सुविचार पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि तू अभी अभी बापूजी से मिल के आया है। किसके बापूजी से? अरे मेरे बापूजी से। चाचा जी को काम है मुझसे, अभी मिल लेता हूँ। अरे भाई छोड़, तू नहीं समझेगा। अरे ऐसे कैसे नहीं समझूंगा जेठालाल।
एक शिक्षक नहीं समझेगा जेठालाल? मैं एक शिक्षक हूँ जेठालाल, और एक शिक्षक होने के नाते समझना और समझाना मेरा धर्म है। मुझे समझाओ जेठालाल। जब तक तुम मुझे नहीं समझाओगे तो मैं कैसे समझूंगा कि मुझे क्या समझना है? और वैसे भी एक शिक्षक मरते दम तक समझना और समझाना छोड़ता नहीं है। मेरी गलती हो गई कि मैंने बोला जाना दे तू नहीं समझेगा। दरअसल तू सब समझता है, तू बहुत होशियार है, सब समझता है। नहीं नहीं जेठालाल, मैं सच्ची में नहीं समझा कि तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो। प्लीज समझाओ ना, क्या है एक शिक्षक होने के नाते नई नई चीजों को सीखना समझना अच्छा लगता है। अरे तभी तो मेरा ज्ञान बढ़ेगा, तभी मैं अपने विद्यार्थियों को समझा पाऊंगा। समझेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। भाई अभी मुझे आगे बढ़ने दे। क्या बढ़ते हुए इंडिया में मेरी एक छोटी सी दुकान है, मेरा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। चलो साथ चलते। अरे भाई मुझे नहीं समझाना है तुझे कुछ, तू तो जड़ौनी जम वड़गित पेड़ो से। तो ये भी नहीं समझा मैं। अरे चुकी जली मजी भाव, मला माफ करा, मला माफ करा प्लीज, चुकी जली। जेठालाल क्या कर रहे हो ये? तुम गलत समझ रहे हो, साथ में चलते इसका मतलब ये नहीं कि दुकान जाने तक तुम मुझे रास्ते में समझाओ कि मैं क्या नहीं समझा। साथ चलते मतलब मैं बैंक जा रहा हूँ तो साथ में चलते हैं, ऐसे। अच्छा ऐसा, हाँ चल 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 चल। एक मिनट मैं ऑफिस बंद करके आया। हाँ कर ले कर ले। बबीता जी, बबीता जी, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आपको लगा तो नहीं ना? नहीं सॉरी सॉरी, आपको लगा तो नहीं बबीता जी? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे रे बाप रे, वो आपको देखा तो एकदम उमड़ का आ गया और मैं आपसे मिलने चला आया। सॉरी सॉरी, आपके सामने अचानक आ गया, आपका बैलेंस गया, आपको लगा तो नहीं ना बबीता जी? नहीं नहीं, आई एम ओके। चल अच्छा हुआ बबीता जी ने टाइम पर ब्रेक मार दिया, वरना तुम्हें लग जाता। हाँ थैंक यू, थैंक यू बबीता जी, आपने ब्रेक मारा, और सॉरी मैं अचानक आपके सामने आ गया। इट्स ओके जेठा जी। वैसे बबीता जी आप तो हमेशा बालकनी में साइकिल चलाते हैं, ये नई साइकिल कभी ली आपने? नहीं नहीं मेरी नहीं है, एक्चुअली ये सोनू की साइकिल है। लेकिन लगती आप ही की है, एकदम मैचिंग मैचिंग, देखो एकदम कलर। लेकिन है सोनू की। वो क्या है ना कि ठंडी का मौसम है तो मुझे लगा फॉर अ चेंज क्यों ना बालकनी की जगह फ्रेश एयर में साइकिलिंग कर लूं, दैट्स फाइन। वाह 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 क्या बात है बबीता जी, इनफैक्ट साइकिलिंग इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। इनफैक्ट मेरा आज का सुविचार भी यही है, हेल्थ इज वेल्थ, सेहत ही संपत्ति है। अरे वाह भीरे भाई, बहुत अच्छा सुविचार है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ सबको अपनी लाइफ में यही सुविचार फॉलो करना चाहिए। आमक, सुना जेठालाल? हाँ सुन ही रहा हूँ भाई। वैसे बबीता जी आपकी एक बात माननी पड़ेगी, ठंडी हो गर्मी हो बारिश हो कोई भी मौसम हो, आपके इस कसरत के कार्यक्रम में कोई बदलाव कभी नहीं आता। थैंक यू सो मच। वो क्या है ना, बरसों पहले मैंने एक न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लिया था। प्रण प्रण, रेजोल्यूशन मतलब प्रण। मालूम है भाई, मालूम। हाँ मतलब प्रण लिया था कि कुछ भी हो जाए एक्सरसाइज और योगा करना कभी नहीं छोड़ूंगी। वाह वाह बबीता जी वाह, मजा आ गया। जेठालाल सिर्फ बाबा नहीं, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी इस साल से प्रण ले लो कि मुझे भी चुस्त और तंदुरुस्त रहना है। हाँ जेठा जी आप भी प्रण ले लीजिए। ले लिया। लेकिन जेठालाल सिर्फ प्रण लेने से कुछ नहीं होगा। हाँ जेठा जी इसके लिए आपको रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हाँ तो कर लूंगा, कसरत भी कर लूंगा, और बोलिए। और योगा कीजिए, योगा से आप पूरा दिन फ्रेश और एनर्जेटिक रहोगे। बस 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 तब बस तय रहा, कसरत भी करूंगा योगा भी करूंगा। मैं तो कहता हूँ बबीता जी साथ में करते हैं ना, तो क्या आप मुझे सिखा भी पाएंगे, आपको तो सब कुछ आता ही है, है? मुझे आएगा, साथ में करेंगे। शाबाश जेठालाल क्या बात है, शुभस्य शीघ्रम, मैं तो कहता हूँ आज से ही शुरू करो। तो भाई आज तो अभी बबीता जी का तो हो गया ना, और मुझे भी अभी दुकान जाना है। हाँ मुझे भी बैंक जाना है। बबीता जी तो तेरा कल पक्का, कल से हम लोग पक्का कसरत करेंगे, योगा करेंगे, मैं भी कल सुबह सुबह टप्पू की साइकिल लेके आ जाता हूँ, ठीक है? ओके 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 बाय। दोस्तों ठंड का मौसम, सर्दियों का मौसम सेहत बनाने का और खाने पीने का माना जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हर मौसम सिर्फ खाने पीने का होता है, सेहत को भी ठेंगा दिखाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं मेरे परम मित्र जेठालाल की बात कर रहा हूँ, जिनके लिए कसरत करने का जोश बिल्कुल सोडा वाटर की बोतल की गैस की तरह होता है, तुरंत उठता है और तुरंत
खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने बबीता जी को वादा किया है कसरत शुरू करने का। आप देखते हैं कि ये वादा रहता है या वादा टूट जाता है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।